रख याद मैनू ना भुला रे तू यू ना जा रे। भाई कितना कीचड़ हो रहा है यहाँ पर, मौसम अच्छा हो रहा है। तो हम बाहर आए हैं और बहुत 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 प्यारा मौसम है। सो काफ़ी अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छी। और पता नहीं कहाँ जाते हैं, अभी हम आपको अपडेट देते हैं। तो हम डिनर के लाए हैं दादी के साथ, मम्मी, तो हम पापा भी आ गए हैं, भैया भी आ गए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। सो पहले खाएंगे आई गेस शोरमा, उसके बाद पता नहीं, देखते हैं। जो भी है चिकन ही खाएंगे, ये लोग चिकन लवर्स, तो विल सी यू। सारी बता दूं अपनी देसी वैम्पायर डायरीज वाली स्टोरी। मैं अच्छा क्या बता रहा था, क्या बता रहा था, अच्छा दो लड़कियां बैठी हैं आगे, हाँ। फिर मतलब दोनों लड़कियों को पसंद आ गया हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे तो और डेमन, तो मैंने मास्क उतारा तो चार्म जो था ना वो, मतलब चार्म जो है कि उन्होंने अपना जो है मास्क अपने आप ढीला होकर उतर गया। मुझे ज़्यादा बीड़ी पीने की वजह से है। बीड़ी तो ही पीता होगा, हम सिगरेट पीते हैं। お前はもう死んでいる。やり様にがいい。そう。
लोग मम्मी और पापा बटर रोटी खा रहे हो, मैं लच्छा पराठा बिकॉज आई लव थोड़ा तो खाऊंगा, थोड़ा कल खाऊंगा, मैं घर ले आऊंगा। लाओ मेरे को भी दो यार। खा लिया? तो बोलूं भैया पिछली बार भी आया था, खाया नहीं था, ले जा रहा हूँ। मुझे ना मुझे इतना पसंद है, ले जा नहीं सकते, गंदी हरकतें हो जाएगी। ये पूरा मुंह भरा खा रहा है मेरे मुंह से नहीं निकल रहा। हेलो, चलते हैं दूसरे लोकेशन पे। पापा माँ, ओहो पापा, पापा कैसा लगा आपको खाना? अच्छा था ना? गलौटी कबाब इज द बेस्ट। वो अरे गलौटी तो खाया नहीं है पापा, व्हाट आर यू सेइंग? वो क्या दूसरा वाला क्या था हमने? क्या खाया? शोरमा। शोरमा वो बहुत बेस्ट बेस्ट। मैं कैसे इंटरव्यू ले रही हूँ ना। यस, पानी टपक रहा है ऊपर से। अफगानी चिकन मस्त। और मौसम भी अच्छा हो रहा है ना, और हम भी अच्छे लग रहे हैं। बस थोड़े बाहर थोड़ा सा मटन ज्यादा रहता है पापा, प्रूफ दे रहे हैं खाया है। तो हमने अमंदरणी बैठे, हमने लिया है क्या गलौटी कबाब। अब घर पे खाएंगे, पता नहीं क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिनर कर लिया पहले, बहुत ज़्यादा। और अच्छा लाइटर अच्छा लग रहा है, माय गॉड्स। और बारिश आ रही है धीरे धीरे धीरे, मज़ा आ रहा है। वही दादी भी दिख रही है, दादी चेयर वहाँ पे, बारिश में कितनी अच्छी लग रही है। नहीं सच में ये लोकेशन तो अच्छी है, पर हम बैठे हैं क्यों नहीं, हम बाहर क्यों अंदर क्यों नहीं बैठे, क्योंकि बाहर बारिश है। हाँ बट अच्छा है इधर, वो सूर्य होटल दिख रहा है सामने। सूर्य होटल तो पता नहीं, बट इसका नाम क्या है बाबा, नाम क्या है इसका? इसका उर्दू में हाँ, तो ये जगह है इफ एनीवन। वाह 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 क्या बात है, एनी वन वॉन्ट्स टू कम हेयर। बहुत अच्छी लोकेशन है, काफ़ी क्यूट है, बहुत क्यूट है। उधर से तो बहुत ज़्यादा ही क्यूट है, मैं दिखाती हूँ, बट लोग बैठे हैं। दिस इज़ द लोकेशन, बहुत क्यूट है, और यहाँ का शायद ये मेन्यू है। एनी वे इट्स क्यूट। और ये बैठे हैं हमारे घर वाले एक बंद दुकान के आगे, मम्मी तो बहुत ही थक गया लगता है, बहुत ज़्यादा थक। अरे हर बार ये क्या करता है, मम्मी आप भी कर दो फिर इसी बात पे। ओहो तो गलत हो गया दादी, आप सबसे मत करवाना। क्यों आपस से क्यों नहीं? अरे अरे गुड गुड, ठीक है फिर, क्या कर रहे हैं बारिश में खड़े हुए हैं, पर पीछे कितना अच्छा आ रहा है। हैं पापा इधर देखो कितना अच्छा लग रहा है, है ना? बारिश हो रही है ना, हल्की हल्की बारिश हो रही है, दिख नहीं रही। हम डिनर के लिए आए थे एंड हमने डिनर कर लिया है, आप जा रहे हैं हम घर की ओर। आओ आओ, ओहो कीचड़ कीचड़ हर जगह।
रास्ता फिर भी थोड़ी देर लगे थे, लेकिन अजीब सी थकान हो रही है, एकदम नींद आ रही है। आप सोएंगे। सो दैट वॉज अ लिटिल व्लॉग, मिनी व्लॉग, जो मैंने क्या था। सो आई हैड डिनर विथ माई फैमिली, नाउ आई क्विकली चेंज एंड आई गेस आई स्लीप। हाँ, अरे बुशी को अंदर भेजो। वेरी गुड। सो आई स्लीप एंड यस विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। एक दो तीन चार। ओके, सो आई जस्ट हैड गलौटी कबाब and it was so delicious. I think it is a must try. जो जो नॉन वेज है मस्ट ट्राई, बिकॉज इट वॉज लाइक ओह लाइक इट्स लाइक आप मलाई आइसक्रीम खा रहे हो, मतलब मुँह में जाकर सब मिक्स हो गया ना। इट्स ऑल दो इट्स एक्सपेंसिव बट इट इज वर्थ इट, लाइक वर्थ अमेजिंग। अगर पेट नहीं भरा होता ना तो ज़्यादा खा लेते, बट पेट इतना भरा हुआ है कि मैंने थोड़ा सा ही खाया, बाकी तो भाई वगैरह लोगों ने खाया, बट ये आई गेस फुल था। मम्मी ये फुल था क्या? बेटा ये फुल प्लेट था। यस, पांच पीस थे। चार पीस थे। 330 के। हाँ 347 के। अमेजिंग, क्या है, मस्त था ना। मतलब नहीं नहीं क्वालिटी, मतलब टेस्ट तो गलौटी का था, बट जो मतलब जो उसकी टिक्की का जो वो था ना, क्या टेक्सचर, वो प्रॉपर गलौटी में था। उन्होंने बहुत ही बिल्कुल ही मलाई का, क्या पता ठंडा हो गया ज्यादा, इसलिए लग रहा हो कि मतलब गरम गरम बहुत सॉफ्ट, बहुत बहुत एक्सट्रीम पीसा हुआ था, बट ठीक है टेस्ट अच्छा था, गरम ठीक था। हाँ एक्सपेंसिव तो हाँ बहुत एक्सपेंसिव था, बट ठीक है अच्छा था, मस्ट ट्राई है। चाहे यहाँ नहीं तो कहीं भी आप ट्राई कर सकते हैं। सो यस थम्स अप। तो मतलब मैं पर्सनली आई गेस ये लोग बोल रहे कि ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता, बट 10 में से मैं तो कितने देगा फिर भी, किस चीज़ के लिए, मतलब टेस्ट के लिए। टेस्ट तीन चीजों में डिवाइड करता हूँ, प्राइसिंग, टेस्ट और क्वालिटी या क्वांटिटी मान लो, है ना। प्राइसिंग 10 में से 5, प्राइसिंग में 10 में से 5 है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा था, मतलब उतना वर्थ नहीं है। 347 के तीन पीस, तीन के चार पता नहीं उन्होंने कैसे दे दिए, तीन ही थे वो, टूट के चार लग रहे होंगे। हाँ। और बहुत छोटे थे, तीन पीस 350 रुपये में, ठीक है। उसके बाद टेस्ट, बहुत टेस्ट में आप मान के चलिए 10 में से गलौटी अगर जिसने खाया होगा तो 10 में से 8 था, मतलब 10 में से 8 था, मतलब काफ़ी अच्छा था। 8 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने और भी अच्छा खाया हुआ है, तो इस वजह से मुझे पता है कि 10 में से 8 है वो, है ना। मेरे को तो सही, जो पहली बार खाएगा उसको तो भाई 10 में से 10 लगेगा। हाँ, क्योंकि वो क्योंकि हाँ, जो आप जब आप टच करेगी आपकी टेक्स्ट, आप बोलो आप बोलो आप बोलो कर लो इंटरव्यू चल लेना मेरा। जब क्योंकि क्या है कि जिसने पहले खाया होगा तो वो समझ पाएगा कि उसका क्या टेस्ट है, पर जिसने पहले नहीं खाया होगा तो अपने आप को दिखा ले मैं दे रहा हूँ ना। ठीक है ठीक है। तो जिसने पहले नहीं खाया होगा, फिर बोली
देखूंगा बोला साहिबा। ठीक है, अगर आपने नहीं खाया पहले तो आपको 10 मिनट रख लेगा, क्योंकि जब मुंह में जाते ही चीज तो वैसे प्लेट में ही मेल्ट थी, मुंह में तो छोड़ो, ठीक है, मुंह में जाते ही मेल्ट, उसके ऊपर जो प्रॉपर जो टेस्ट आता है मटन का, गलौटी कबाब का, वो प्रॉपर टेस्ट था, हर मसाले का टेस्ट प्रॉपर था, हल्का सा नमक ज़्यादा लगा मेरे को, क्योंकि मैं शायद कम नमक खाता हूँ बॉडी बिल्डिंग की वजह से, इसलिए मुझे नमक ज़्यादा लगा। बट जो ओवरऑल प्राइसिंग का मैंने आपको बता दिया, टेस्ट का आपको बता दिया, आप बताता हूँ मैं आपको क्वांटिटी का, क्वांटिटी मैं आपको देता हूँ मैं 3 से 4, क्योंकि भैया 350 में कम से कम 5-6 पीस तो आते ही आते हैं बहुत आराम से, और बड़े पीस आपको, हमने शायद फोटो खींची होगी, इतना सा पीस भाई साहब, वो 150 रुपए के खाली डिब्बा था ऐसा लग रहा है। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ कि प्याज उन्होंने उससे ज्यादा दे दिया था हमें, अरे भर के दिया भाई प्याज उसके बाद, और वो 3 मतलब मेरे हिसाब से वो 200-220 रुपए से ज्यादा के नहीं होने चाहिए थे, फुल प्लेट फुल मतलब वही फुल ही है, हाफ तो होगा ही नहीं, हाफ तो ऑप्शन हाफ तो है ही नहीं ऑप्शन, हाफ में क्या दोगे, आधा आधा काट के दोगे क्या, एक आधा गलो वही है कि बस यही है वहाँ से, उससे अच्छा खा सकते हैं एक जगह, उससे अच्छा तो देखो अगर आप नॉन वेज के शौकीन हैं, और अगर आप शौकीन हैं तो आप जानते ही होंगे कि नॉन वेज के लिए आप जाएं पुरानी दिल्ली, जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली में आता है, पूरी पुरानी दिल्ली बहुत ही फेमस है, जामा मस्जिद हो गया या बतेरी और भी चीज़ें हैं, वहाँ आप चले जाएँ और कोई सा भी आइटम उठा लें वहाँ, तो एक चाहे आप स्वीट्स का आइटम उठा लें, चाहे आप खाने के मामले में जो जो वहाँ का जो टेस्ट है, जायका है, वो एकदम बेस्ट है, मुगल डिशेज़ हैं वो ज़्यादा बेटर हैं, मतलब है ना वहाँ पे अगर आप चिकन विकन खाएँ, गोला रोटी कबाब खाएँ, ये सब बहुत ज़बरदस्त है, कबाब कबाब नहीं है, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं राहिल सिंह फूडी व्लॉग्स। हाय गाइस, बाइसेप चिकन बाइसेप्स, सब सब ये चार्ज हो रहा है इसके मुंह के आगे, देखना क्या कर रहा है, ऐसा लग रहा है वो उतार रहा है। चलो गाइस मैं चलता हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मेरा अगले और भी इंटरव्यूज हैं। ओ तो ठीक है, हमने ले लिया है, हमने ले लिया एक्सपर्ट एडवाइस, तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।